बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ ग्रेड 10 मैथमेटिक्स। सो चैप्टर नंबर 1 कंसिस्ट ऑन 4 एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड रिव्यू एक्सरसाइज। सो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.1, वी हैव टू नो व्हाट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एंड हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो what is quadratic equation? Quadratic equation in one variable is the equation which can be written in the form of ax square plus bx plus c equal 0, where a, b and c are real numbers। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस इक्वेशन को कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिस जो इस फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में लिखा जा सके। आप देखिए, इसमें एटलीस्ट एक स्क्वायर का होना जरूरी है। यहाँ पे एक स्क्वायर है, अगर उसमें कोई स्क्वायर इन्वॉल्व ना हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। ए बी सी, व्हाट आर ए बी सी? ए बी सी क्या है? ए बी सी हमारे पास रियल नंबर्स है, 1, 2, 3, 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, कुछ भी हो, रियल नंबर्स है। फॉर एग्जाम्पल 5x² + 2x + 3 = 0। तो यहाँ पे आप देखिए, ए की जगह पे 5 आया है, बी की जगह पे 2 और सी की जगह पे 3। तो ये रियल नंबर्स है, 5, 2, 3, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। सेकंड एग्जांपल 3x² + 2x - 1 = 0। तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब 4x² + x = 3, तो अब हमें ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इसको कंपेयर करें, तो अब देखें यहाँ पे ए स्क्वायर है प्लस ये बी एक्स है और यहाँ पे इक्वल 3 है। तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म किस चीज को कहते हैं? इसको ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये प्लस 3 है, इसको मैं बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा 4x² + x - 3 = 0। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे अगर कोएफिशिएंट ना हो तो इट मींस 1 है, प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी 4x² + x + इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसके बाद अब हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कौन से मेथड्स के जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट कैन बी सॉल्व बाय 3 मेथड्स। नंबर 1, by factorization, number 2, completing the square, number 3, quadratic formula। फैक्टराइजेशन की मदद से जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था, सही है, बिल्कुल वही है।
इसको जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होता है तो इसके जो इसके हमें फैक्टर्स के जरिए सॉल्व करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स को फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम उस फैक्टर्स को देखेंगे कि प्रोडक्ट से क्या आता है और सम से क्या आता है। इसको क्लियर करते हैं एग्जांपल की मदद से। अब आप देखें इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन यहां पे इक्वल वन भी आए तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स सेवन माइनस वन सिक्स इक्वल जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोफिशिएंट वन है तो एक्स स्क्वेयर को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है सिक्स एक्स स्क्वेयर और सम फाइव एक्स है। तो हमें अगर हम चेक करें सिक्स के फैक्टर्स क्या है, वन है, टू है, थ्री है और सिक्स है, तो हम दो फैक्टर्स लेंगे सिक्स के, लेकिन वो फैक्टर्स लेंगे अगर हम उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें जिन मतलब उनके प्रोडक्ट से सिक्स आ जाए और उनको एड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास फाइव आ जाए। तो आप देखें अगर मैं इस तरह लिखूं टू एक्स मल्टीप्लाई थ्री एक्स, सो टू थ्री आर सिक्स एक्स स्क्वेयर। अब इसको एड करता हूं सही है, तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री एक्स। सो टू एक्स और थ्री एक्स वो फैक्टर्स है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सिक्स एक्स स्क्वेयर आता है और जिनका हम सम ले तो हमारे पास फाइव एक्स आता है। तो इसको स्प्लिट करते हैं, फाइव एक्स को इस तरह लिख सकते हैं थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो। तो अब देखिए इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये है एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स, यहां पर कॉमन क्या है एक्स, टेकिंग कॉमन x को मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बचता है x प्लस थ्री, यहां पे 2x प्लस सिक्स तो 2 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस थ्री इक्वल जीरो। अगेन टेकिंग कॉमन x प्लस थ्री एक्स के साथ भी है और x प्लस थ्री टू के साथ भी है तो x प्लस थ्री को मैं फिर कॉमन लेता हूं, x प्लस थ्री को मैं कॉमन लूं तो क्या बचता है x बचता है प्लस टू इक्वल जीरो। सो इट मीन्स x प्लस थ्री इक्वल जीरो एंड x प्लस टू इक्वल जीरो, ये प्लस थ्री है। तो इक्वेशंस में जब हम एडिशन को यानी प्लस को खत्म करते हैं तो बोथ साइड हमें सब्ट्रैक्शन वाला जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना पड़ता है। सो सब्ट्रैक्ट थ्री बोथ साइड तो हमारे पास एक्स इक्वल माइनस थ्री आ जाएगा और यहाँ पे ये प्लस टू है तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास एक्स माइनस टू आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा सोल्यूशन सेट माइनस थ्री माइनस टू इटिंग स्क्वेयर के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो मेथड है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है, पहले हमें उन स्टेप्स को सीखना पड़ेगा। स्टेप नंबर वन है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर ना हो तो पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स इक्वल लेट्स से एट, ये हमारे पास एक इक्वेशन है।
तो इसको मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए पहला स्टेप क्या है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इक्वल जीरो, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल जीरो। इसको आप जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आएगा। सेकंड स्टेप है डिवाइड द होल इक्वेशन बाय कोएफिशिएंट x square if it is other than one। अगर यहां पे x square का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कोई भी नंबर हो तो सारी इक्वेशंस को उस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे आप देखें x square का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो सारी जो टर्म्स है यानी सारी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा 2x square divide by 2 plus 4x divide by 2 minus 8 divide by 2 0 divide by 2। ये हो गया जी x square plus 2x minus 4 equal 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 आता है, x square plus 2x minus 4 आ गया। अब इसके बाद shift the constant राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, राइट हैंड साइड यानी जो कांस्टेंट है हमारे पास उसको राइट हैंड साइड को शिफ्ट करेंगे, माइनस फोर है तो इसको राइट हैंड साइड को शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर, ये बन जाएगा प्लस फोर, सही है। अब फोर्थ स्टेप टेकिंग स्क्वेयर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x का जो कोएफिशिएंट हो उसका हाफ लेके और फिर स्क्वेयर लेके बोथ साइड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड के साथ भी ऐड करेंगे। तो अब देखिए यहां पे पहले मैं लिखता हूं both sides of equation, यानी आप देखिए 2 का हाफ, तो जब हम किसी चीज का हाफ फाइंड करते हैं तो इसको 1 by 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 को मैं 1 by 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं सो 1 आता है। सो टेकिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ लेके और फिर स्क्वायर लेके बोथ साइड आप इक्वेशन के साथ ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, हाफ क्या आता है 1 टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पे मैं लिखता हूं पहले 8 1 स्क्वायर बोथ साइड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल 4 प्लस 1 स्क्वायर। तो यहां पे आप देखें ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। फिर फिफ्थ स्टेप जो है मेक लेफ्ट हैंड साइड एज अ परफेक्ट स्क्वायर, फिफ्थ स्टेप है मेक लेफ्ट हैंड साइड एज परफेक्ट स्क्वायर, and simplify right hand side।
तो अब देखिए इधर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है, तो ये कौन से फार्मूले से सॉल्व हो सकता है? एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं वो फार्मूला लिखता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल फोर प्लस वन, फोर प्लस वन को मैं ऐड करूँ तो फाइव आ जाएगा, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। सिक्स स्टेप जो है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर का भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और फाइव का भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल फाइव स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस हम लगा सकते हैं। अब आप देखिए इधर प्लस वन है, तो प्लस वन को, यानी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस वन को कैंसिल करना पड़ेगा। जब भी हम इक्वेशंस को प्लस वन को या प्लस टू किसी भी एडिशन वाले ऑपरेशन को कैंसिल करते हैं, तो हमें सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है। सो सब्ट्रैक्ट वन बोथ साइड, एक्स प्लस वन माइनस वन एक्स इक्वल, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, माइनस वन प्लस माइनस फाइव स्क्वायर रूट। सो एक्स का एक सॉल्यूशन सेट माइनस वन प्लस फाइव स्क्वायर रूट आ गया, और दूसरा माइनस वन माइनस फाइव स्क्वायर रूट आ गया। तो ये हुआ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। I think so. This much is enough for today. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.